आप उसके हिसाब से काम कीजिए। पहला फर्स्ट आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए शायद आपको यहां पे न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, लेटेस्ट चेक निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में तो आपको नहीं निकालना पड़ेगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा वो क्या होगा, ओल्ड रेशियो ही होगा, ठीक है। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन में जहां पे न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ होता है, हम लोग क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के ही बराबर हो जाता है। तो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा वो आपका 3:2 ही होगा। दूसरा काम आपको, तीसरा काम, थर्ड आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहली जर्नल एंट्री किस चीज की पास करनी पड़ेगी, बोलिए, पहली जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी कैपिटल प्लस गुडविल जो पार्टनर लेके आया है। दूसरी एंट्री पास करनी पड़ेगी प्रीमियम फॉर गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की, और तीसरी एंट्री पास करनी पड़ेगी गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर अपने घर ले जाएगा उसकी, ठीक है। चलिए ये तीन काम करके दिखाइए, तब समझ में आएगा कि कल आपको क्वेश्चन बनाया, आपने जो पढ़ा है वो सही बनाया। कीजिए तो एंट्री कीजिए। तो मैंने इसीलिए काम को हल्का करने के लिए बोल दिया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही है। तो ये जो 20,000 रुपए गुडविल का वो पार्टनर लेकर के आया है, नया वाला पार्टनर, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलेगा बाकी पार्टनर्स को, 3:2 में मिलेगा। चलिए बनाइए, जल्दी से फटाफट बनाइए, जर्नल एंट्री पास कीजिए, आगे बढ़िए। जर्नल एंट्री अगर आप नहीं पास कर पाएंगे तो दिक्कत है। समझिए कि क्या हुआ है, तीनों बैंक अकाउंट डेबिट दोनों अमाउंट को जोड़ दीजिए, 1,20,000। नया पार्टनर कौन था, सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट कितना पैसा बेटा, सी के कैपिटल अकाउंट पे 1,00,000, चलो ठीक। और टू बाकी पैसा किस चीज का है, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना, 20,000 हो गया पहला एंट्री। चलिए दूसरी एंट्री, सेकंड एंट्री कीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को बांटिए पार्टनर के बीच में, 20,000 को किस रेशियो में, 3:2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 20,000 sacrificing partners capital, two sacrificing capital तो कौन-कौन सा हो जाएगा, A's capital account, B's capital, two B's capital account कितना, 12,000, A में कितना, 12,000 और B में 8,000, ठीक है। तीसरी एंट्री तो बहुत इजी है, अगर वो पैसा लेके जाएंगे तो यही वाली एंट्री क्या हो जाएगी, A capital account debit, B capital account debit, two cashier bank, ठीक है। थर्ड एंट्री आप कर लेंगे, तो हम सीधे चलते हैं एस कैपिटल, इस पे डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि नया मटेरियल डिस्कस करना है। एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश, टू कैश, ठीक है। कितना कितना, 12,000 रुपया, 8,000 रुपया, 20,000 रुपया, ये पूरा पैसा जो था वो क्या कर लिए, वो निकाल के ले गए। कोई परेशानी यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी समझ में आ रहा है, पीछे दोनों, yes, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन बिठा रहा हूँ, आप आंसर जब तक कॉपी कीजिए।